तो भाई जनरली अगर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हम फोटो ही कराने गए थे, मतलब आप एक क्रिएटर से किसी आर्टिस्ट से। वेरी गुड मॉर्निंग हल्का चैनल भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग कल की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल का जो मेरा दिन था, जैसे मेरा दिन था ठीक है, मैंने करना उचला दागर भाई का ना हेयर कट हो गया, इसलिए उसको दिखा नहीं रहा, उसको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। हाँ, हुआ क्या था कि एक कंपनी है, उन्होंने मेरे को बुलाया था ठीक है, करना औजले के साथ मीट एंड ग्रीट था, वहाँ पे कम से कम 50-60 लोग थे और वहाँ पर मेरे को जाना था, तो वो पूरा उस बारे में व्लॉग है, तो चलो चलते। भाई फाइनली आई एम हेयर, मतलब यहाँ पे नहीं कि घर है भाई लोगों के, मेरे को पार्किंग ही नहीं मिली उस वेन्यू के आगे और कोई गाड़ी मस्ती ज़्यादा खड़ी नहीं थी, तो मेरे को लग रहा करना मतलब आए नहीं, थोड़ी सी मेरे को नर्वसनेस हो रही है क्योंकि भाई जिन लोगों को आप सुनते हो ठीक है, इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, हम लोग सामने खड़े होंगे आज हमारे बिल्कुल ऐसे बगल में, तो हग ही कर लूँगा भाई साइड से, तो उनसे हम लोग मिलने वाले हैं और गाड़ी कर दी हमने पार्क और भाई घर देखो सामने कितना सेक्सी है। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं अंदर एंड मेरे को एक भाई मिले हैं, आकाशदीप नहीं अंश, ऐश 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 भाई, भाई मेरे को मिले हैं, मैंने कहा मेरे लिए कंपनी हो गई, भाई के लिए भी कंपनी होगी, ये भी अकेले आए थे, मैं भी अकेला आया हूँ। तो अभी हम लोग करना उसके लिए वेट कर रहे हैं, इज अबाउट टू कम और बहुत देर हो चुकी है और बस बैठे हैं अभी। शराब वराब पीनी? ना ना मैं भी नहीं पीनी, गाड़ी चलानी है ना, मैं वैसे पीता है ना, नहीं पीता ना मम्मी। अरे मम्मी का तो पता है, ये गिलास तेरा पड़ा है? नहीं नहीं, ये खाली गिलास है, ये खाली गिलास है, इसमें नहीं है कुछ पड़ा ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ तेरा ही पड़ा। हाँ सब पानी डालूंगा। और भाई हाँ मैं ना करना उसके टी शर्ट तो पहन आया, मुझे लगा सबने पहनी होगी, यहाँ तो सब सजे हुए हैं, मैं पहन के आ गया, पहले मैंने भाई को ये बोला मेरे को ऑकवर्ड हो रहा और भाई अरे कोई नहीं टेंशन मत ले चिल करो चिल। और भाई अकाउंटेंट है, किसी को अपने टैक्सेस वैक्सेस संभालने हो तो कॉन्टैक्ट चॉइस अकाउंटिंग, चॉइस अकाउंटिंग, ये तो पूरा ऑफिस प्रमोट हो गया ना आपका, पर्सनल बताओ। हाँ वही चॉइस अकाउंटिंग में ऐसे कमीशन बेस्ड नहीं होता कि जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगी? नहीं मेरा रेफरेंस दे सकते हैं ना, ऐश ऐश फ्रॉम चॉइस अकाउंटिंग, अगर मेरा नाम रेफरेंस दोगे तो भाई के नाम पे डिस्काउंट। नहीं 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 मेरा कोई टैक्सेस नहीं हो रहा है, डिस्काउंट मिलेगा बिल में। हाँ अभी बस वेट हो रही है और ये पूरा इवेंट सजा रखा है, आई शो यू, ये पूरे सेटअप कर रखा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे आने वाले करना उजला और बस वेट हो रही है, कुछ खाना पीना है, फोकस फोकस नहीं, हाँ और कुछ वेट हो रही है, कुछ खाना पीना करेंगे बस। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, अभी नहीं बढ़े फिर देख लेना आप लोग, किसके बढ़ने चाहिए तेरे या मेरे, दोनों के। हाँ फिर ठीक है, मैं भी YouTube चैनल बना रहा हूँ है, निकुंज वशिष करके नाम आएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। अभी आया नहीं है? नहीं आया, जरूरत नहीं है। अभी आया नहीं है, आएगा, पूरी मेहनत लगानी है ब्रो। और करना होगा कितने टाइम में आएगा? आने वाला है बस, आने वाला है, कमिंग सून बहुत टाइम, 7:30 हुआ था ना, 7:30 तो शुरू होना था ना, मैं भी ऐसे ही हूँ, 7:30 होता ना मेरा, 8-9 आता हूँ। हाँ तो वो तो फिर भी सेलिब्रिटी है, तो वीवीआईपी लोग। हाँ तो मैं मतलब अभी मैं उस जगह नहीं कुछ तो भाई अब आप लोग बोलोगे भाई करना उजला मतलब फोटो वोटो कहाँ, तो शार भाई क्या मीट एंड ग्रीट होगा कैसे कैसे हम लोगों को बताओ। तो करना उजला आया, 7:30 का हमारा इवेंट स्टार्ट होना था, करना उजला केम इन एट 10:30 और जैसे ही अंदर आया वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई थी कि कोई भी अपने फोन नहीं निकालेगा और कोई भी अपना कैमरा नहीं निकालेगा फोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी नहीं करनी ठीक है, वो जो होएगी वो सिर्फ करना उजला कैमरे से होगी। अब ऐसा क्यों हुआ था मेरे को नहीं पता, वो बहुत तेज से जाया मतलब पता नहीं हुआ क्या, मतलब लिटरली नहीं पता, आप लोग भी सोच रहे हो तुषार भाई तो कट गया आपका, नहीं भाई मेरी फोटो हुई थी, मैंने हाथ मिला था करना उजला से, मैंने उनको बोला कि मेरा नाम तुषार बरेजा है ठीक, मतलब उन्होंने खुद पूछा कि क्या नाम है पाजी थोड़ा, तो मैंने बोला तुषार बरेजा और
से पाजी बोला था कि नहीं पता नहीं बट तुषार भैया मेरे यूट्यूब चैनल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ब्लॉग करना है। उन्होंने बोला नहीं नहीं प्रभा बाद में करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर वो वहां से चले गए 10 मिनट के अंदर तो सबके साथ फोटो खींची तेज तेज और फोटो जो है वो उनके कैमरे में उनके फोटोग्राफर जो लेकर आए थे ठीक है करना उनके फोटो मतलब उनके कैमरे में। अब वो फोटो मेरे पास अभी तक तो आई नहीं ठीक है। जैसी आएगी मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है ठीक है। और तो भाई जनरली अगर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हम फोटो ही कराने गए थे। मतलब आप एक क्रिएटर से किसी आर्टिस्ट से अगर आप लोग पहली बार मिलते हो और वो आपको मिलने का ड्रीम होता है ना तो फोटो कराने का मेरा आइडिया होता है तो वो फोटो नहीं हुई। और ठीक है भाई उनकी अपनी प्राइवेसी ऑन करने की मूड होगा कुछ होगा ठीक है कुछ बात होगी होगी अपने को इतना नहीं बट हम मिल लिए ठीक है हाथ उत मिलाया बात करी एंड इट वाज नाइस। और फोटो आएगी तो मैं डाली दूंगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया। मूड तो ऑफ हो ही गया था मतलब कि आप मिलने जा रहे हो और आप फोटो नहीं खींच पाए ना वीडियो बना पाए। एंड आई गॉट दिस ठीक है ये मेरे को मिला है आपको दिखा दूँ। हाँ थैंक्स फॉर सपोर्टिंग तुषार वरेजा। तो आई गॉट दिस क्योंकि उनका वेहर टूर चल रहा है ठीक है यहाँ से पढ़ लो यहाँ से पढ़ लो। एंड थैंक्स टू क्रिएटिव इवेंट्स कंपनी हु ऑर्गेनाइज दिस मीट एंड ग्रीट। और पूरा ये जो इन लोगों ने फंक्शन ठीक है फंक्शन नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे टूर ठीक है जो ऑस्ट्रेलिया में टूर हो रहा है दे ऑर्गेनाइज दिस। एंड हाँ बहुत ज्यादा ना क्विक से एक्सपीरियंस है मुझे पता नहीं हुई क्या हुआ फोटोज वगैरह अलाउड क्यों नहीं थी मेरे को लिटरली नहीं पता आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके बारे में बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके। उसके बाद हम लोग गए कॉन्सर्ट में जो उसके नेक्स्ट डे था तो वो चेक करें। तो कैसा लगा भाई कॉन्सर्ट? मस्त है भाई सेक्सी। एक दो गाने गाए नहीं जो हमें सुनने थे। हाँ मेक्सिको नहीं गाया और गैंगस्टर नहीं गाया। हम तो आधे घंटा लेट भी पहुंचे थे। हमको लगा करण भाई खुद लेट आएंगे पर वो पहले ही आ गए थे मतलब टाइम से आए थे हम लेट थे तो क्या पता उसके बीच में गा दिया हो भी सकता है। खा ले पहले खा ले। तो ये मैकडॉनल्ड्स आए थे भी खा लिया है। पूरा ओवरऑल कॉन्सर्ट मजा आया भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था पूरा पूरा फुल था और इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं अच्छी लगी तो लाइक कर देना कुछ अच्छी सब्सक्राइब कर देना आपको नेक्स्ट डे में। और आई होप मेरे को वो मेरे करण के साथ वाली फोटो मिल जाए मिलेगी तो मैं डाल दूंगा यहाँ नहीं तो इंस्टाग्राम पे। और हाँ लव फ्रॉम मेलबर्न वॉइस फ्रॉम इंडिया। ये कह रहे कब खत्म करेगा हमको जाना है जल्दी कर।